सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम बिजी के अंदर पेमेंट रिसिप्ट जर्नल और कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रिसिप्ट की एंट्री को कैसे पास करेंगे। रिसिप्ट की एंट्री हम तब पास करते हैं जब हमको कहीं से पेमेंट आती है। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है रिसिप्ट, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी डेट होगी डेट डालेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है वाउचर नंबर का, तो वाउचर नंबर के अंदर आप डाल सकते हैं कि पेमेंट कैसा आई है, चेक के थ्रू आई है। अगर चेक के थ्रू आई है तो आप यहाँ पर चेक नंबर डालेंगे। अगर NEFT के थ्रू आई है तो NEFT लिखेंगे, RTGS आई है तो RTGS लिखेंगे। GST नेचर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा। जिस भी पार्टी से पेमेंट आई है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। जितना भी अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक को डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 अकाउंट हैं तो वो पेमेंट कौन से अकाउंट में जा रही है वो यहाँ पे डालेंगे और इस वाउचर को सेव कर देंगे। तो ये बात हो गई रिसिप्ट वाउचर के लिए कि हमको कैसे एंट्री पास करनी है। अब जानते हैं कि कैसे हम पेमेंट वाउचर की एंट्री को पास करते हैं। तो वापस से ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है पेमेंट का, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी डेट होगी वो डेट डालेंगे। वाउचर नंबर के अंदर आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, NEFT कर रहे हैं, RTGS कर रहे हैं या चेक के थ्रू कर रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे। GST नेचर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद जिस भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, जितनी पेमेंट कर रहे हैं वो डालेंगे, कौन से बैंक से पेमेंट जा रही है वो डालेंगे और वाउचर को सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जाना कि कैसे पेमेंट वाउचर की एंट्री करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। तो कॉन्ट्रा एंट्री हम तब करते हैं जब हमारी पेमेंट एक बैंक से दूसरे बैंक में जाती है। यहाँ पर पेमेंट कहीं बाहर नहीं जाती, हमारे ही अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो उसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। एंट्री को पास करने के लिए ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, कॉन्ट्रा पे जाएंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी डेट होगी वो डेट डालेंगे। यहाँ पर वाउचर नंबर आपकी मर्जी है, आप डालें चाहे ना डालें, क्योंकि जो एंट्री है वो हमारे अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हम वो बैंक डालेंगे जिसमें पेमेंट गई है, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे जहाँ से पेमेंट गई है। कॉन्ट्रा एंट्री करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस भी बैंक में पेमेंट आएगी वो ऊपर आएगा और जहाँ से जाएगी वो नीचे आएगा। इसको सेव कर देंगे। अब जानते हैं कि जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री हम तब पास करते हैं जब किसी अकाउंट को पेबल या रिसीवेबल दिखाना है या किसी अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है जर्नल, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी डेट होगी वो डेट डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है GST नेचर का। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब क्योंकि ये जर्नल वाउचर है तो इसमें बहुत सारी टाइप की एंट्री हम पास कर सकते हैं। इन ऑप्शन को हम बाद में समझेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एंट्री मार के दिखा रहा हूँ कि हमको टेलीफोन एक्सपेंस पे करना है नेक्स्ट मंथ के लिए, तो टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, जो भी अमाउंट होगा वो डालेंगे। अब यहाँ पर हमने पेमेंट करी नहीं है,
हम फ्यूचर में करेंगे तो यहाँ पर ना बैंक क्रेडिट होगा ना कैश क्रेडिट होगा, यहाँ पर हम टेलीफोन एक्सपेंस पेबल को क्रेडिट कर देंगे, वाउचर को सेव करेंगे। तो जब हम टेलीफोन एक्सपेंस की पेमेंट करेंगे तो हम टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट को ना छेड़ के टेलीफोन एक्सपेंस पेबल को डेबिट कर देंगे और जहाँ से पेमेंट जा रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। सो बस यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि कैसे हम रिसिप्ट, पेमेंट जर्नल और कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे पास करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।